दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे फॉन्ट साइज को किस तरीके से आप छोटा कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं कि सभी आइकन का जो फॉन्ट साइज है वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी है। साथ ही अगर आप स्टार्ट मेनू में क्लिक करते हैं तो यहाँ पर भी सभी जो सॉफ्टवेयर का आइकन है उसका टेक्स्ट का फॉन्ट बहुत ही ज़्यादा साइज में इंक्रीज हो चुका है। तो ऐसे में गाइस, आप परेशान हैं कि कैसे फिक्स होगा, क्या ये समस्या आ गई? तो ये कोई समस्या नहीं है, बस आपको एक सेटिंग से चेंजेस करने हैं और आपका प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा। वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपके सेटिंग में कुछ चेंजेस की वजह से ये इशू आती है। तो किस तरीके से फिक्स करनी है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और ऑल पे सिलेक्ट कीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइस, फिक्स करने के लिए आपको यहाँ पर होम बटन में आना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज। तो ऊपर में देख सकते हैं यहाँ पर आ चुका है मेक टेक्स्ट साइज बिगर, तो आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर नीचे देखेंगे, ड्रैग द स्लाइडर अंटिल द सिंपल टेक्स्ट इज इजी टू रीड देन क्लिक अप्लाई। तो यहाँ पर देख सकते हैं 187% हो चुका है, तो आप इसको ड्रैग करके यहाँ पर कर दीजिए और ऊपर में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कि आपकी टेक्स्ट की साइज जो है इतना छोटा हो जाएगी। और उसके बाद आपको अप्लाई पर क्लिक कर देना है। जैसे ही अप्लाई पे क्लिक करेंगे ये थोड़ा सा आपका टाइम लेगा और आपका जो फॉन्ट साइज है वो पहले के जैसा हो जाएगा। अगर आपके फॉन्ट साइज को फिर से थोड़ा सा इंक्रीज करना है तो फिर से उसी तरीके से आपको करना है फॉन्ट, फॉन्ट साइज, और यहाँ पे इंटर करना है और देन आपको इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देना है। आपको इंक्रीज करने के बाद आपको अप्लाई कर देना है। ऐसा करने के बाद आपका जो फॉन्ट साइज है वो अप्लाई हो जाएगी। तो गाइज, मुझे उम्मीद है कि अब आपका फॉन्ट साइज की जो इशू है वो फिक्स हो चुकी होगी। तो इस वीडियो में गाइज फिलहाल इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए गाइज धन्यवाद, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।